आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का जनपद के कोविड के नोडल अधिकारी तथा स्थापना व औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव ने किया औचक निरीक्षण। कहा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जनपद की तैयारी है पूरी। 31 जनवरी तक सभी लोगों को कोविड का पहला डोज लगाने का रखा गया है लक्ष्य। पंद्रह जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाला परंपरागत खिचड़ी मेले की तैयारी है पूरी। गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक ने कहा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा का रखा गया है विशेष ध्यान। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चढ़ाई जाएगी पवित्र खिचड़ी की अपील। मेले में मास्क लगाकर ही आए श्रद्धालु। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में चौरी चौरा थाना के जंगल महादेव गांव में पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। थाने का भी एसएसपी ने किया निरीक्षण। कहा पुलिस चौपाल में आए 20 मामले कुछ का मौके पर कराया गया निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट व मास्क और चुनाव आचार संहिता का पालन न करने वालों को किया जागरूक। एसपी ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक नियमों का पालन कर दे यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग। आदर्श आचार संहिता के समय में कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं लेकर जा सकता 50,000 से अधिक की धनराशि। मतदाताओं के प्रलोभन के सामग्री पर भी निर्वाचन आयोग ने लगाया है पूरी तरह से प्रतिबंध। पकड़े जाने पर की जाएगी जब्ती की कार्यवाही। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। लिया उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। खिचड़ी मेला को सुगम और सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस का सम्मेलन हुआ संपन्न। कहा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार रखते हुए करें अपनी ड्यूटी। सभी अवश्य लगवाएं कोविड के बूस्टर डोज का टीका। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को घोष कंपनी रीति क्षेत्र में प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। योगी सरकार की उपलब्धियों को किया साझा। भाजपा को पुनः प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने एवं योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की अपील। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 426 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 1,504। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। सीओ ट्रैफिक की अध्यक्षता में कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा पुलिस चौपाल में आए कुल 4 मामले, 2 का मौके पर किया गया निस्तारण, 2 का निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के कार्यालय पर जिला मुख्यायुक्त के नेतृत्व में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कहा देश के युवा स्वामी विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलकर देश हित में करे काम। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 333 केंद्रों पर 34,188 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 22,591 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 11,597 लोग रहे शामिल। एसीएमओ ने कहा सभी लोग करवा ले वैक्सीनेशन, इस वायरस को लोग ना ले हल्के में। और बुधवार को तुलसीदास मेमोरियल कैटलिस्ट हाइब्रिड स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कैंप लगाकर किया गया वैक्सीनेशन। बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। स्कूल की प्रिंसिपल ने दिया सरकार को धन्यवाद। कहा बच्चे भी टीकाकरण के प्रति हैं जागरूक।